कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। पूछो ऐसे इनके औकात क्या है? कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। पूछो ऐसे इनके औकात क्या है? कोई उल्टी बात बकवास करे मेरे बारे में उसके झापड़ मारा करो। कोई उल्टी बात बकवास करे मेरे बारे में उसके झापड़ मारा करो। कोई उल्टी बात बकवास करे मेरे बारे में उसके झापड़ मारा करो। जो चीज है इसके अंदर एकजुटता करके रहना है हमने। एकजुटता अगर रहेगी तो भैया आगे हम बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो अब जो है एक दूसरे की नुक्ताचीनी, ये वो आलतू फालतू, ये चीजें जो है छोड़ दो, क्योंकि ये लड़ाई केवल और केवल आप लोगों के लिए, अपने हलके के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे नौजवानों की नौकरियों के लिए, हमारे इलाके की, और जिस तरह से मैंने विकास करवाया था उससे 10 गुना और विकास करवाने की। 10 साल में देख लिया क्या हो रहा है। मैं जहाँ भी हूँ आज मैं विपक्ष में हूँ, सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती हूँ, सरकार भी मानती है मेरे को इस बात मजबूत। तो ये इसलिए क्योंकि आप जानते हो बेबाक से हम काम करते हैं, किसी का लोभ लालच नहीं है, डरे हुए नहीं है। यहाँ पे और भी है हमारे ये गोलागढ़ के, दुर्भाग्य की बात है जो द्वारपाल बनकर बैठते हैं, सच्ची बात कह रही हूँ, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी का नाम ऊपर नहीं रखा, खाली ये सोचा अपना भर लो, अपना कर लो, और उसका नतीजा लोगों ने उनको दिखा दिया है। सही बात है या नहीं आप बताओ? नहीं तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम ऊपर करना था, सारे मिलकर काम करते तो आज ये हालात होने थे नहीं होने थे। ये तो घर के अंदर जब किसी को दुश्मन को मारना होता है तो उसके घर के अंदर पहले जो है उसका जो है कार्रवाई करनी शुरू होती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह के लोग जो खाली अपना लोभ लालच के लिए, जो खुद जिनके अंदर क्षमता नहीं है, समझ रहे हो, क्षमता नहीं है। अगर क्षमता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, किरण चौधरी पीछे हो जाती है, मेरे को क्या पड़ी है, मेरी उम्र होगी, अपने आराम से बैठू घर में, मरने की जरूरत है भाई दर्दर की ठोकर खान की, बताओ भाई सही बात है या नहीं। मैं क्यों लड़ाई लड़ रही हूँ? मैं केवल इसलिए लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारे बच्चों को जो हमारे महरूम रह गए, हमारी नौकरियाँ जो हमारे को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए मेरी लड़ाई थी। तो मैंने काम करवाया, ये भी लड़ लड़ के करवाया। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि MLA जब मैं हूँ तो मैं तो शाम का हूँ, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मैं पूरे हरियाणा का, समस्त हरियाणा का मुख्यमंत्री। और उन्होंने कोई दो भाग कोई ये नहीं करा, जाति पाति की बात नहीं करी, कोई जो है उन्होंने क्षेत्रवाद नहीं करा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ हमारे साथ, बताओ हुआ या नहीं हुआ? ये सारी चीजें आप लोग एक एक चीज जानते हो। और मेरी क्या कोई निजी काम थोड़ना है, निजी कोई लड़ाई नहीं है किसी से मेरी, मेरी लड़ाई केवल आप लोगों के लिए है कि मैं आपके काम धंधे चला सकूं, घर के अंदर जो है छोरे बैठ गए हैं उनको आगे बढ़ा सकूं। वो तभी होगा ना जब हाथ में मजबूती आएगी, नहीं तो कौन आओ भाई। और मैं अगर लड़ू ना तो ये सारे का सारा जो है सोना जो है वैसे ही बिकाऊ माल है, ये बिकाऊ माल हो रहा है सारा, क्योंकि ये लड़ाई मैं लड़ती इसलिए हूँ क्योंकि किसी का लेके नहीं खाया, एक ढेला नहीं लिया है किसी का, चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर धब्बा लगने नहीं दिया कभी भी। सही बात है या नहीं बताओ? तो भैया जब ये ऐसी बात हो तो मेरी मजबूती तो तुम हो, मेरे हाथ पांव तो तुम लोग हो। तुम लोग अगर कहोगे कि भाई किरण चौधरी लड़ाई मत लड़, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, मैं बैठ जाऊंगी। अगर ये कहोगे कि नहीं बहन जी तुम लड़, हम तेरे साथ हैं, चाहे तू कुछ भी जो भी तेरी सोच हो वो तुम कर, तो भाई मैं लड़ाई लड़ूंगी। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ाओ, मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ाओ। विधानसभा के अंदर कोई बात होती है, कोई आवाज उठानी होती है तो तुम्हारी कौन उठाता है? कोई और यहाँ पे बोल के देता है किसी के खिलाफ? ये सारा मिला जुला सौदा है सबका, समझ रहे हो? तो ये जो स्वच्छ जो राजनीति जो प्रदूषित कर दी है इन लोगों ने, सच्चाई है ये।
चौधरी बंसीलाल जी, मैंने यहाँ पे भी ये कहा था, गुड़गांव में बताई थी ये बात, कहा करते थे राजनीति में जो आदमी आए वो ये सोच के आए कि भाई सेवा भाव उसको करना है, ये ना सोच के आए कि मेरे घर में कितना मैं भर लूंगा और मैं क्या कर लूंगा और क्या नहीं करूंगा। जो आजकल के कितने जो हो रहा है नेताओं के, कोई एक उंगल नहीं उठा सकता मेरे ऊपर। तो इसलिए ये पूरे हरियाणा में अब निकल रही हूँ यही केवल दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई लड़नी है, आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, आपके इलाके के लिए लड़नी है, तुम्हारे व्यवसाय के लिए लड़नी है, तुम्हारे विकास के लिए लड़नी है, तो भाई फिर यूं सोच लो, गांठ बांध लो, कोई उल्टी बात बकवास करे मेरे बारे में उसके झापड़ मारा करो। किरण चौधरी आगे बढ़ो, साथ है। किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आके पोस्टर ला देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। पूछो इनसे इनके औकात क्या है, समझ रहे हो ना? हर तरीके से जो चीज है आप लोग ये बात को मान के चला करो। अगर तो आप इस तरह से आगे चलोगे, क्योंकि मैं लड़ाई के मूड में हूँ, और साथ दोगे तो भाई लड़ेंगे, और किसी और का मैं नहीं। तुमने जो मेरे को मजबूती दी है, आज जो है चौधरी बंसीलाल जी चले गए, सुरेंद्र सिंह जी चले गए, आज जो है यहाँ मैं खड़ी हूँ कांग्रेस के अंदर समर्पित सिपाही की तरह खड़ी हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हाल हो रहे हैं। हम तो इसलिए हो रहे हैं, खाली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही एक है जो आंख दिखा के लड़ाई लड़ सकती है। ये बात विरोधी चर्चा कर रहे हैं, बोले रोते गाड़ा ही जय गुण बोले के दिल्ली मैडम है। क्यों बोलूं भाई मैं, जय इतना बड़ा जी जहाँ खड़े हैं वो किसकी जगह सवा लाख का मैं बोल रहा आपसे भी बुलवाऊंगी। पर मेरा कहने का खाली ये मकसद तात्पर्य है कि एक तो कोई अफवाह में मत जाया करो, जो भी मैं करूंगी या नहीं करूंगी या जो भी होगा पहले आपसे सलाह मशवरा होगा, समझ गए? ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, दिखरा हो रहा है, इन चक्रों में मत रहो। क्योंकि अब मैं जब लड़ाई निकलने लड़ने निकलता है तो सारी दुनिया पड़ती है भाई उसको नीचे उतारने में, समझ गए ना? हाँ, तो वो है सारा, वही कहानी बन रही है। और मैं अगर आराम से बैठ जाऊं तो भैया फिर तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। बाकी जो आपके बाकी एमएलए हैं कोई कोई छो नहीं कर सकता, क्योंकि सारा जो है अपना अपने हिसाब से चलते हैं बेचारे। अब हमारा वो तो नहीं रह गया ना। तो जिसका